सवे भवंतु सुखिना आरती है मात मेरी पर विशेष भाग माइनस तेरा जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहण करें जैसा कि कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए यानी के हम उस अदृश्य शक्ति या जिसे भी मानते हैं उसकी शरण ले लें अभ्यास करते करते इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंच जाएं इश्क हकीकी पर पहुंचने पर निर्विचार निर्विकार होकर केवल उस अदृश्य का ध्यान करके उसका साक्षात्कार किया जा सकता है समस्त निर्विषय निर्विकारी निष्पाप गुरुओं को सादर नमन लेकिन आज बहुत से बगुला भगत भी गुरु जैसे महान पद पर आसीन है जैसे कि जब मजनू प्रसिद्ध हुआ था तब बहुत से आलसी लोग नकली मजनू बनकर बिना कोई मेहनत के खा पीकर मोटे ताजा हो रहे थे यह पता लगा पाना मुश्किल था कि कौन असली मजनू है और कौन नकली एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा कि असली और नकली को कैसे जाने महात्मा ने कहा कि सभी से एक कटोरी खून मांगना जो दे देगा वह असली और जो नहीं देगा वह नकली वह व्यक्ति सभी मजनुओं से मिला लेकिन कोई एक बूंद भी खून देने को तैयार नहीं हुआ आखिरकार वह असली मजनू के पास पहुंचा और उससे कहा कि एक कटोरी खून चाहिए लैला ने मंगवाया है तो मजनू ने कहा कि मेरे शरीर में हर एक रक्त के कतरे में वही बसी हुई है उसके लिए एक कटोरी तो क्या आप मेरे शरीर का सारा रक्त ले सकते हैं तो जैसा प्रेम मजनू का लैला के लिए था जैसा समर्पण मजनू का लैला के लिए था वैसा प्रेम जब उस अदृश्य शक्ति से होता है तो उस प्रेम को ही इश्क हकी यानी जो हकीकत है सत्य है उसके साथ इश्क कहते हैं और जब प्रेम संसार में विद्यमान पदार्थ शक्लों से किया जाता है तो उसे इश्क मजाजी कहते हैं यानी के प्रिय मार्ग इश्क मजाजी से इश्क हकी की श्रेय मार्ग की सीमा पर पहुंचने पर ही उस अदृश्य शक्ति का साक्षात्कार अनुभूति की जा सकती है प्रिय मार्ग यह सांसारिक पदार्थों शक्लों से प्रेम का मार्ग है और इस प्रेम के साथ स्वार्थ जुड़ा होता है मार्ग यह अदृश्य शक्ति से प्रेम का मार्ग है लेकिन साथ ही संसार के पदार्थ शक्लों के प्रति जो प्रेम होता है उसमें करुणा होती है दया होती है परहित होता है स्वार्थ नहीं होता वासना नहीं होती लगातार माइनस चौदह